माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए सर माननीय राष्ट्रपति जी होना चाहिए सर उपस्थित हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का माननीय राष्ट्रपति जी का ये वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला ये अभिभाषण है। इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। श्रीमान अधिरंजन चौधरी जी, प्रोफेसर स्वागत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, रामकृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत, कई नाम हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो समय शायद बहुत जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक स्वर यह उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है, सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव भी लोगों के बातों में से आता है। तो मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्गृत करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी के कारण, उसी प्रेरणा के कारण हम लिख से हट करके तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता में लिखा है, लीक पर वो लीक कर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते
जिस तरीके से आप लोग चलते थे उसी रास्ते से चलते, जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बना। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती, अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं सुनता हूं तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है, हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलने का गति नहीं बढ़ाते तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़े। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ेगा।
35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहने का, 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होगा, 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से, और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लीक से हट करके चलना चाहते हैं, और इसलिए हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज गति से काम किया है, उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने 5 साल में देखा, और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं। अगर तेज गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी, वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है, और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोड़ने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ, वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी, आज
दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। लगातार मंत्री नॉर्थ ईस्ट में दौरा करते रहे, रात रात वहां रुकते रहे, छोटे छोटे इलाके में जाते रहे, टीयर टू टीयर थ्री छोटे स्थानों पर गए, लोगों से संवाद किया, मिला विश्वास का वातावरण पैदा किया और विकास की जो आवश्यकताएं होती जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुंचाने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया है। और वो विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है। यहां पर ये बोर्डों की चर्चा आई और ये कहां गया, ये कोई पहली बार हुआ है? हमने भी कभी ये नहीं कहा कि पहली बार हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया, जो भी किया गया आधे अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया एक प्रकार से खानापूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पे तो हो गए, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए, अनेक प्रकार की एक्सटॉर्शन, 50 प्रकार की बीमारियां समाज जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आर्म्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टम नहीं है ताकि हमारी बात बार बार उजागर हो फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं, और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे सूरत तो पहले उगता है लेकिन सुबह नहीं आती थी, सूरत तो आ जाता था, अंधेरा नहीं छटता था। आज मैं कह सकता हूं नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है, और वो प्रकाश जब आप अपने चश्मे बदलोगे तब दिखाई देगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं ताकि बोलने के लिए बीच में मुझे आप विराम दे रहे हैं। कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई, आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है,
तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, इन निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है, उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया, जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है, जैसा वैसा आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है। आपके लोगों को कहिए कि अभी जिसे आप करें, यही मैं कहता कि वो जो भी थे अब अभी नहीं कह रहा हूँ फिर यार मतलब मैं सेवक बोले अपने अपने लोगों को कहते स्वामी जी को अपमान ना करे माननीय जो माननीय सर, माननीय प्लीज प्लीज। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी, कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा इतना जल्दी में? माननीय अध्यक्ष जी, यहां किसानों के विषय में भी बातचीत हुई है, बहुत से महत्वपूर्ण काम और बहुत से नए तरीके से नई सोच के साथ पिछले दिनों किया गया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से यहां चर्चा करने का प्रयास हुआ है, मैं नहीं जानता हुआ अज्ञानवश है कि जानबूझ करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर जानकारियां होती तो शायद हम ऐसा न करते। हम जानते हैं कि 1.5 गुना MSP करने वाला विषय है कितने लंबे समय से अटका हुआ था, हमारे समय का नहीं था, पहले से था, लेकिन ये किसानों के प्रति हमारी जिम्मेवारी थी कि उस काम को भी हमने पूरा कर दिया। बहरान सिंचाई योजनाएं 80-90% धन खर्च करके 20-20 साल से पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, फोटो निकलवा दी बस काम हो गया। हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उनको उसके लॉजिकल एंड तक ले गए और अब किसानों को उसका फायदा होना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत
इस व्यवस्था से किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ है। किसानों की तरफ से करीब 13,000 करोड़ रुपए प्रीमियम आया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ उसके तहत करीब 56,000 करोड़ रुपए किसानों को बीमा योजना से प्राप्त। किसान की आय बढ़े ये हमारी प्राथमिकता है, इनपुट कॉस्ट कम हो ये हमारी प्राथमिकता है, और पहले एमएसपी के नाम पे क्या होता था हमारे देश में, पहले 7 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद हुई, हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन, 7 और 100 का फर्क तो समझ आएगा। इनाम योजना, आज डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। इनाम योजना के नाते किसान अपना बाजार में माल बेच सके, उस योजना को लिया हमने, और मुझे खुशी है कि गांव का किसान इस व्यवस्था से करीब 2.25 करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावार का इस इनाम योजना से किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो, सोलार पंप की बात हो, ऐसे नए अनेक चीजें जोड़ी हैं जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2014 में हमारे आने से पहले कृषि मंत्रालय का बजट 27,000 करोड़ रुपये था, अब ये बढ़कर के 5 गुना, 27,000 करोड़ था, बढ़कर के 5 गुना, और लगभग 1.5 लाख करोड़ हमने पहुंचाया। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं, अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फाइलों की झंझट नहीं, एक क्लिक दबाया पैसे पहुंच गए। लेकिन मैं जरूर यहां माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राजनीति करते रहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, लेकिन क्या हम राजनीति करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे? मैं उन माननीय सदस्यों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने राज्य में देखें, जो किसानों के नाम पर बढ़कर करके बोल रहे हैं वो जरा ज्यादा देखें कि क्या उनके राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिले, उसके लिए वो सरकारें किसानों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं, इस योजना के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? नुकसान किसका हुआ, किसका नुकसान हुआ? उस राज्य के किसानों का हुआ। मैं चाहूंगा यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो दबी जबान में खुलकर के शायद न बोल पाए, क्योंकि कहीं जगह पे बहुत कुछ होता है, लेकिन उनको पता होगा। उसी प्रकार से मैं माननीय सदस्यों के कहूंगा जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, उन राज्यों में जरा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे कर करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर करके वोट बटोर लिए, शपथ ले लिए, सत्ता सिंहासन पा लिया, लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किए गए। कम से कम मैं यहां बैठे हुए माननीय सदस्य उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहें कि किसानों को उनका हक देने में कोताही न बरतें।
माननीय अध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब मैंने विस्तार से सबके सामने प्रार्थना भी की थी और अपने विचार भी रखे थे। उसके बाद सदन के प्रारंभ में जब मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये सत्र हम पूरी तरह अर्थ आर्थिक विषय, देश की आर्थिक परिस्थिति, इन सारे विषयों को इस सत्र हम समर्पित करें। हमारे पास जितनी भी चेतना है, जितना भी सामर्थ्य है, जितने भी बुद्धि प्रतिभा है, सबका निचोड़ इस सत्र में, दोनों सदनों में हम लेकर के आए हैं। क्योंकि जो देश, दुनिया की आज जो आर्थिक स्थिति है उसका लाभ उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए, कौन सी दिशा को अपनाए जिससे लाभ हो, मैं चाहूंगा कि ये सत्र, अभी भी समय है, ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे तब भी पूरी शक्ति, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम आर्थिक विषयों पर गहराई से बोले, व्यापकता से बोले और अच्छे नए सुझावों के साथ बोले, ताकि देश विश्व के अंदर जो अवसर पैदा हुए उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं निमंत्रित करता हूं सबको। और मैं मानता हूं कि आर्थिक विषयों के इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हम सबका सामूहिक दायित्व है और इस दायित्व बोध में पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे। और वो भी, ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोचना नहीं मानता, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं। और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं और स्वीकार करने का प्रयास भी करता हूं। और इसलिए इस प्रकार की जितनी बातें बताई गई हैं इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये अच्छी बातें हैं, देश के लिए हम सोचते हैं। लेकिन पुरानी बातों के बिना आज की बात को समझना थोड़ा कठिन होता है। अब हम जानते हैं पहले क्या कालखंड था, करप्शन आए दिन चर्चा होती थी, हर अखबार के हेडलाइन, सदन में भी करप्शन पर ही लड़ाई चलती थी, सब दूर यही बोला जाता था। अनप्रोफेशनल बैंकिंग कौन भूल सकता है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कौन भूल सकता है, और संसाधनों की बंदरबांट, माय गॉड क्या करके रख दिया था। इन सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने के लिए लॉन्ग टर्म गोल के साथ एक निश्चित दिशा पकड़ करके, निश्चित लक्ष्य पकड़ करके उसको पूरा करने का हमने लगातार प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि उसी का परिणाम है कि आज इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बनी रही है, महंगाई नियंत्रित रही है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रही है। Thank you.
मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है। ये भी काम हम ही करेंगे। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। जीएसटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात हो, आईबीसी लाने की बात हो, एफडीआई रिजीम को लिबरलाइज करने की बात हो, बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन करने की बात हो, जो भी समय समय पर आवश्यकता रही है और जो भी एक दीर्घकालीन मजबूती के लिए जरूरत है, सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है, उठाए हैं और उसके लाभ भी आना शुरू हुए हैं। और वो रिफॉर्म्स जिसकी चर्चा हमेशा हुई है, आपके यहां भी जो पंडित लोग थे वो यही कहते रहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अर्थशास्त्री भी जिन बातों की बातें करते थे, आज एक के बाद एक उसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर गए। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, उसको लेकर के भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 2019 जनवरी से 2020 के बीच 6 बार जीएसटी रेवेन्यू 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो 2018 अप्रैल से सितंबर एफडीआई $22 बिलियन था, आज उसी अवधि में ये एफडीआई $26 बिलियन पार कर गया है। ये इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है और भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर है, ये कन्विक्शन बना है, तब जाकर के लोग आते हैं। और गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग उनसे बाहर निकल करके आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा विजन, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज वैल्यू एडिशन और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर है। देखिए, मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूं। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं, उस समय सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। देखिए, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इन योजनाओं ने देश में स्वरोजगार को बहुत बड़ी ताकत दी है। इतना ही नहीं, इस देश में करोड़ों करोड़ों लोग जो पहली बार
मुद्रा योजना लेकर के खुद तो रोजी रोटी कमाने लगे लेकिन किसी और को भी एक को दो को तीन को रोजगार देने में सफल। इतना ही नहीं, पहली बार बैंकों से जिनको धन मिला है मुद्रा योजना के अंदर उसमें 70% हमारी माताएं बहनें जो पहले इकोनॉमी एक्टिविटी के क्षेत्र में नहीं थी वो आज कहीं न कहीं इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। 28,000 से ज्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुए हैं और वे आज खुशी की बात है टीयर टू टीयर थ्री सिटी में हैं, यानी हमारे देश का युवा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुद्रा योजना के तहत 22 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत हुए हैं और करोड़ों युवाओं ने खुद ने तो रोजगार नहीं खुद ने रोजगार को पाया है। फॉर्मल सेक्टर में अजरंजन जी मैं ऐसा करता हूं आप एक समय तय कीजिए, आपको जितना कहना है मैं दोबारा बैठ लूंगा क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे अच्छा नहीं। सत्तर साल की देश की राजनीति ऐसी रही है कि कोई कांग्रेसी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक के डेटा ऑन एंटरप्रेनर्स उसमें भारत का दुनिया के अंदर तीसरा स्थान है। सितंबर 2017 से नवंबर 2019 के बीच ईपीएफओ पेरोल डाटा में 1,39,00,000 नए सब्सक्राइबर्स आए। ये बिना रोजगार को कोई पैसे जमा नहीं करता है जी। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी।
ऐसा ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी ये करोड़ों नई जॉब्स के लिए अवसर लेकर के आती है। स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल फोर्स तैयार करना, लेबर रिफॉर्म संसद के अंदर ऑलरेडी एक प्रस्ताव तो आगे बढ़ा है और भी कुछ प्रस्ताव है, मुझे विश्वास है कि सदन उसको भी बल देगा ताकि देश में रोजगार के अवसरों में कोई रुकावट ना आए। हम पिछली सदी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमने बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में नई सोच के साथ इन सारे बदलावों के लिए आगे आना होगा और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि लेबर रिफॉर्म के जो काम और सब लेबर यूनियन के साथ मिलकर के तय हुआ है उसको जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे रोजगार के नए अवसरों के लिए सुविधा बढ़ेगी। और मैं विश्वास करता हूं $5 trillion इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये ऐसे नहीं हो रहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि हमने आने वाले दिनों में 16 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन लेकर के आगे चल रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जितना बल ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को देते हैं वो इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है, रोजगार को भी देता है, नए नए उद्योगों को भी अवसर देता है। और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम में एक नई गति लाए हैं। लेकिन पहले, वरना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था कि सीमेंट कॉन्क्रीट के जंगलों की बात, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था टेंडर की प्रक्रियाएं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था बिचौलिए, यही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती थी तो लोगों को यही लगता था कि कुछ बू आती थी। आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं उस पर बल दिया है। और हमारी भूमि, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट का खेल नहीं है। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के आता है। करगिल से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, इसको अगर जोड़ने का काम करने की ताकत होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स को जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की क्रिएटिविटी को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम छोटा ही क्यों ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके कंज्यूमर के साथ जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। प्रदूषण को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेग्नेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवे से लेकर के वाटरवे तक हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। गत 5 वर्ष में देश ने देखा है
और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां बिठाया है जी, यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है। यूपी की जनता ने बता दिया है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता था, हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम होता था। ये सिर्फ हमारा दिल्ली का ही विचार ले लीजिए, ये दिल्ली में ट्रैफिक, एनवायरमेंट और हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रही थी। 2009 में यूपीए सरकार का संकल्प था कि 2009 तक ये दिल्ली के सराउंडिंग जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है इसको 2009 तक पूरा करने का यूपीए सरकार का संकल्प था। 2014 में हम आए, तब तक कागज पे ही वो लकीरें बनकर के पड़ा हुआ था, और 2014 के बाद मिशन मोड में हमने काम लिया और आज पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम हो गया। 40,000 से ज्यादा ट्रकें जो आज दिल्ली में नहीं आती सीधी बाहर जाती हैं, और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में एक अहम कदम ये भी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है, 2009 तक पूरा करने का सपना 2014 तक कागज के लकीर बनकर के पड़ा रहा हो, ये अंतर है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पर्श करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, नींद आती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है, और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है, क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी, और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था, आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, उनके लिए संविधान बचाना ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो
उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महत्व समझना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है, और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े, ये बार बार और बार 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 सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी, देखिए आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत नहीं, आपका सीआर ठीक हो गया है आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान बचाने की बातों वालों का ना, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही बोर्ड में की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था, भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है, हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है, ऐसा लगता है कि हमने
1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं क्या? उनकी वकालत करते हो, उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना। मान्य अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। मान्य अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्या इस भावना से क्या हिंदुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इसे सहमत हो सकता है क्या? मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनकी आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ साथ मैं लद्दाख के विषय में भी कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आप को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के किसान, सिक्किम के नागरिक इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी। लद्दाख, मैं मानता हूं लद्दाख के मन विषय में मेरे मन में बहुत चित्र साफ है और इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरी भूरी प्रशंसा होती है एनवायरमेंट को लेकर, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है, हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ
आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जो कानून इस सदन ने पारित किया, जो संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ, जो नोटिफाई हो गया, उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है। सीए लाने कुछ लोग कह रहे हैं सीए लाने की इतनी जल्दी क्या थी, कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है, कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटो खिंचवा रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है, भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है, पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। खान अब्दुल गफार खां हो, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में मेरा सौभाग्य रहा है कि लड़कपन में खान अब्दुल गफार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था, मैं इसे अपना गर्व मानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्ला खां हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अबलूद हमी हो या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले, आप जोर देना ना, जो भी नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। खैर, मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं, उन्होंने
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। और मैं चाहता हूं जब चर्चा निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भूपेंद्र कुमार दत्ता का नाम सुना है? दादा आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी भाषण जुड़ रही है। कांग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं है उनको भी जानना जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन 78 डे जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी और यह भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे, वहां की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत के दिन थे, और उस समय भूपेंद्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम पे आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त ने कहा था, सो फार एज दिस साइड ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न द माइनॉरिटीज आर प्रैक्टिकली लिक्विडेटेड। दोज ऑफ अस हु आर हियर टू लीव रिप्रेजेंट नियर ए कोर ऑफ पीपल स्टिल लेफ्ट इन ईस्ट बंगाल लीव अंडर ए टोटल सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये भूपेंद्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में यह दर्द व्यक्त किया था। यह हालत थी स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर के शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी
ये मां भारती की गोद में। तब के पाकिस्तान में आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए तो सामान्य, हाँ आए तो आए, मरे तो मरे, यही है, यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है महापुरुष, यही आपकी सोच है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जी, सबके पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्र सेनानी रुक गए थे, जोगिंद्रनाथ मंडल। वे समाज के बहुत ही पीड़ित शोषित कुचले हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। नौ